हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। तुम, हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते, हम तुम नहीं आप हैं। क्यों? कानून से सजा दिलवा कर दिल नहीं भरा तुम्हारा जो मुझे यहां उठा कर ले आए? आखिर क्या चाहते हो तुम? हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। कृष्ण प्रसाद सक्सेना, अर्जुन मौत से पंजा लड़ाने वाली उस ताकत का नाम है जिसे मौत भी घबराती है। हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। हम उन्हें ही नहीं, या हम उनकी आत्मा को भी कैद कर लेते हैं। जिसे जेल की सलाखें नहीं रोक पाई उसे तुम्हारे घर की चार दीवारी क्या रोकेगी? क्या रोकेगी? अर्जुन, यहां जेल की सलाखें नहीं, यहां हर दरवाजे पर गोलियों की गूंज में मौत की सदाएं हैं। यहां से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है हमारा हेलीकॉप्टर। लेकिन उसके पहिए हमारी मर्जी से घूमते हैं और उसके पंखे के पर हमारे चाहने पर फड़फड़ाते हैं। मुझे तुम्हारी ताकत और घमंड से मतलब नहीं है, मुझे यहां लाने का मकसद बताओ। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ तुम बहुत जल्द ही समझ जाओगे। मुझे कैद रखने का तुम्हारा यह ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा कृष्ण प्रसाद सक्सेना। और याद रखना, मैं 24 घंटे में यहां से निकल जाऊंगा। 24 घंटे नहीं, हम तुम्हें 48 घंटे की मोहलत देते हैं।